इस हफ्ते की शुरुआत तो बहुत सहज ही हुई और जो कुछ कड़वी घटनाएं रहीं वो भी इस काम में बदकिस्मती से सहज ही हैं। पर शुक्रवार ख़त्म होते होते एक ऐसी कॉल आई जिसने सबका मनोबल थोड़ा कम कर दिया। खैर उस बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। जिस घटना ने हमें हिला के रख दिया वो था गुरुवार को डेजी का रेस्क्यू। शनिवार को लुंगड़ू के फ्यूचर्स निकाल दिए गए और अब पिन भी उसका हफ्ते 30 दिन में निकल जाएगा, उसके बाद वो पूरी तरह ठीक है। रविवार को शाहपुर से अभिषेक जी मस्त राम को लेने आए। लोकल अडॉप्शन सबसे बढ़िया रहती है, ना तो इसमें इतना खर्चा होता है और मन में खुशी रहती है कि भाई देसी लोग देसी डॉग। जिस नए बछड़े को हमने पिछले हफ्ते रेस्क्यू किया था खड़ से, उसको बहुत ज़्यादा चिच्चड़ लगे थे तो हमने उसके ऊपर डायटाइमस अर्थ लगाई। एक तो इन लोगों के वैसे ही खून कम रहता है, ऊपर से जब चिच्चड़ होते हैं तो इनका रहा सा खून भी खींच लेते हैं, तो ये लगाना बहुत ज़रूरी था ताकि इसके चिच्चड़ हटें। देवदास अब चल फिर लेता है और इतना ठीक हो चुका है कि उसकी स्टरलाइजेशन सर्जरी हम कर पाए। अब जब वो बाहर जाएगा तो चांस कम है कि वो और कुत्तों से लड़े। ये जो जर जोरू जमीन वाली बात है ना, वो आदमियों की तरह ही इन पर भी लागू होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आदमी बुद्धि का प्रयोग करके चाहें तो इन चीज़ों से ऊपर उठ सकते हैं। खैर मॉनसून की और पपीज के साथ थोड़ी झड़प हो गई और जिसमें उसकी आँख पर चोट लग गई। अब उसको उसने मल मल के इन्फेक्ट कर दिया तो हमें उसको कोन ऑफ शेम पहनाना पड़ रहा है। इसको दिवाली के बाद दिल्ली जाना है, जहाँ से इसको आगे शिकागो जाना है, तो हमारी बस यही प्रेयर है कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। सोमवार की सुबह जब हम उठे तो जो खड़ से नया काफ रेस्क्यू किया था उसकी डेथ हो चुकी थी। हमारे लॉग्स में तो डॉक्टर अंकित ने एंट्री ये करी कि स्टारवेशन लीडिंग टू वीकनेस एंड एनीमिया एंड पॉसिबल पैरासाइट लोड। पर आप और मैं जानते हैं कि बछड़ों को छोड़ा जाना और मारना पैदा होते ही निर्धारित हो जाता है। नवीन और अमित को ट्रीट ऑन स्ट्रीट के दौरान बनोई में एक पपी दिखा, उसके आगे के दोनों पैरों पर ऊपर से गाड़ी निकल गई थी, उसका एक पैर तो बिल्कुल ही ख़त्म था। अगले दिन डॉक्टर अंकित ने चेक किया तो उसका दूसरा पैर भी नहीं बचाया जा सकता था, तो अगर उसकी सर्जरी होती तो उसके दोनों पैर काटने पड़ते, ना तो वो सर्जरी को झेल पाने की हालत में था, और अगर किसी चमत्कार से वो एक लंबी दर्दनाक रिकवरी के बाद ठीक हो भी जाता तो उसकी ज़िंदगी क्या होती। खासकर जब चार पैर वाले ही पपीज़ की अडॉप्शन इतनी मुश्किल होती है तो इसको कौन लेता, और सड़क पे तो इसका जीवन संभव था नहीं, तो हमने इसको यूथनाइज करने का फैसला लिया। इस करके बाकी के सारा दिन सबका मूड थोड़ा ऑफ ही रहा। पर दिल्ली से अनिल वाही जी ने हमें महीने दो महीने की पूरी दवाइयों की सप्लाई भेज दी, तो ये काम करते हुए मानवता के बुरे और अच्छे दोनों ही रूप देखने को मिलते हैं। शाइनी अब अपनी क्लास को बड़ी सिस्टम के तहत पढ़ा रही है, जहां दो बच्चे एक ग्रुप में हैं, जहां वो एक दूसरे को सीखने में मदद करते हैं। इससे ना सिर्फ उनकी पढ़ाई बेहतर होगी पर उनको बचपन से ही सम्मानजनक तरीके से अपने मतभेद सुलझाने आ जाएंगे। भगवान जानता है कि हमारे समाज को इसकी कितनी ज़रूरत है। शाइनी अपनी क्लास में वैसे ही नए नए प्रयोग करती रहती है। इस हफ्ते बच्चों ने स्टोरी टेलिंग का अभ्यास किया। मैं आपको एक लकड़हारे वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं तो खुद स्टोरी टेलिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। देखिए कहानियों के माध्यम से ही मानवता की हर नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी से सीखती आई है। बुधवार को दिनेश वापस आ गया। हल्क ने जब उसको मारा था तो उसकी पसलियां तो नहीं टूटी पर अंदर का मांस फट गया था और उसे सांस लेने में दर्द होता है। डॉक्टर हिमांशु भी अपना थीसिस सबमिट करके आ गए। अब दीप्ति की शादी हो रही है, उधर से दिवाली के गिफ्ट हैम्पर भी बन रहे हैं, तो सब लोग ओवर टाइम कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स टीम तो अब रेसिपीज के अलावा और वीडियो भी बना रही है। मैंने आपको बताया था कि हाल ही में हमें मजबूरी में 7 बछड़े अडॉप्ट करने पड़े, भाई छोड़े तो कहाँ छोड़ें, और जो हमारे पहले के गाय बैल हैं किंग नैनो वूली वगैरह वो सब एडजस्ट कर रहे हैं। तो जब वो लोग चरने वाले मैदान में होते हैं तो बछड़े काव शेड में खुले घूम रहे होते हैं, जब वो लोग बरामदे में होते हैं तो रात को बछड़े काव शेड में अंदर बंद होते हैं, और इस तरह सब धीरे धीरे घुल मिल जाएंगे। जो और बछड़ा अब इनके साथ आएगा वो है डार्क चॉकलेट। आजकल वो सुबह इनके एरिया में आ जाता है और उसकी इन सबसे दोस्ती हो रही है। शाम होते ही वो माँ को याद करके रो पड़ता है तो हम उसे वापस अमूल के पास ले जाते हैं। अब है क्या कि अमूल तो पूरी तरह ठीक हो चुकी है और एक बार ही डार्क चॉकलेट उसके बिना जीना सीख जाएगा तो हमें अमूल को रिलीज करना होगा। पर डार्क चॉकलेट तो बच्चा है ना, इसे गाड़ियों का पता ना ये पता कि इंसान डंडे मारते हैं, ये सड़क पे नहीं जी पाएगा, तो इसे तो हमें रखना ही पड़ेगा। गुरुवार को दौलत राम जी भी परिवार सहित फार्म में अपने नए क्वार्टर में शिफ्ट हो गए।
जिस बिल्ली के बारे में मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि उसके स्पाइन में इंजरी थी, हमने उसका नाम अंजीर रखा था। गुरुवार को उसने भी दम तोड़ दिया। हमारे को ये लग रहा है कि जो उसकी नर्व डैमेज थी उसने शायद उसके इंटरनल ऑर्गन्स को भी इम्पैक्ट किया होगा। कहना मुश्किल है, हमारे पास कोई हाईटेक डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट तो है नहीं। खैर, एक और स्टरलाइजेशन केस जो पेचीदा हो गया था क्योंकि उसने कॉलर उतार के अपने टांके खोल दिए थे और उसको हर्निया हो गया था, वो फाइनली पूरी तरह हील हो गई और रिलीज हो गई। अब जब उसको रिलीज करके वापस आ रहे थे तो संजय भैया और नवीन ने चंबी में एक डॉग देखा जिसका पैर सुअर पकड़ने वाले शिकंजे में फंसा हुआ था। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया और वो उसको ले आए। उसका नाम हमने डेजी रखा है और हम मंगलवार को उसका वीडियो डालेंगे। देखिए, ये तो कुत्ता था, इसको हम पकड़ के ला सकते थे। अगर सुअर पकड़ने वाले शिकंजे में सुअर ही फंसा होता तो हम इस बारे में कुछ ना कर पाते। अब देखिए, जानवरों की मदद करने के लिए लो टेक हाई टेक दोनों काम करने पड़ते। सबको पता है कि भाई हमारे यहाँ एक तो परमानेंट गाय बैल इतने हैं, दूसरा क्लिनिक में इतने गाय बैल रहते हैं, तो हमें हरे चारे की बहुत आवश्यकता पड़ती है। फार्म के सामने वाली जो ज़मीन है वो गांव के कुछ परिवारों ने हमें घास उगाने के लिए दे रखी है, पर 2 महीने हो गए बारिश हुई नहीं है और उस ज़मीन में जो है पानी की समस्या है। तो दिलवर भैया ने और जो हमारे पड़ोसी हैं कृपालू भैया, पुल की 1.5 किलोमीटर तक रिपेयर की और वहाँ पर पानी ला के उस ज़मीन को सींचा। और अब हाईटेक की बात करें तो जिस CBC मशीन का हमने महीनों से ऑर्डर दे रखा था वो फाइनली इंस्टॉल हो गई है और अब हम अपने क्लिनिक में ही ब्लड वर्क और बेसिक डायग्नोस्टिक्स कर पाएंगे। शुक्रवार शाम को हमें धर्मशाला से एक बंदर के बारे में कॉल आई। अब ये हमारा रैप अप टाइम था। धर्मशाला हमारे 8 किलोमीटर के दायरे के बाहर है और उस बंदर की हालत देखते हुए हम बता सकते थे कि ये 3 या 4 घंटे का मेहमान है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ जो लोग जानवरों से प्रेम करते हैं वो भी मजबूर हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या करें, तो वो हम पे दबाव डालते हैं। देखिए, कहीं पे लोगों को ज़रूरत है NGOs को समझने की। हम ये काम स्वइच्छा से करते हैं, हमारा उत्तरदायित्व उन जानवरों के प्रति है जो हमारी केयर में है, हमारा उत्तरदायित्व उन लोगों के प्रति है जो हमारा समर्थन करते हैं। हम किसी के दबाव में काम नहीं करते। तो अगर आपकी पहुँच है, आप लोग दबाव डाल सकते हैं तो सरकार पे डालिए ना। सरकारी तंत्र में पशु कल्याण के लिए कितना पैसा फंसा हुआ है उसको निकलवाइए, उसको इस्तेमाल करके जानवरों की मदद करिए। 19 साल पहले केंद्र का निर्देश था कि हर राज्य के हर जिले में एक SPCA का गठन होना चाहिए। तो अगर आप दबाव डाल सकते हैं तो आप दबाव डाल के अपने ज़िले में SPCA का गठन कराइए। जब आप NGOs पे दबाव डालते हैं तो आप सिर्फ उनका मनोबल गिराते हैं और जिन जानवरों की मदद हो रही होती है आप उसके आड़े आते हैं। खैर, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।